नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की। हरियाणा में 30 नवंबर से शुरू हुई और 26 जनवरी तक चलने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल बेहद ही सजग नजर आ रहे हैं। यात्रा की मॉनिटरिंग के साथ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अधिकारियों को भी निर्देशित कर रहे हैं। इस क्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा फरीदाबाद के अलग अलग गांव में पहुंची। मोदी की गारंटी वाली वैन के पहुंचने के साथ ही कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पहुंचे स्थानीय लोगों ने एक ही जगह पर सभी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाया। उनके काम भी अधिकारियों ने फौरन प्रभाव से किए, जिससे कुछ लाभार्थियों ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि मोदी सरकार गरीब लोगों का ख्याल रख रही है, जिसको लेकर वो बेहद खुश हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकारों के कार्यकाल की जन कल्याण की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर पूरे हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा तेजी से गांव गांव और शहर शहर तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद के गांव फतेहपुर बिल्लौत से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा की खास बात यह है कि भाजपा सरकार में साझेदार जेजेपी और निर्दलीय विधायक भी संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों में शामिल हुए। राज्य सरकार के मंत्रियों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होकर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के कामों का बखान के साथ ही योजनाओं में जन जन की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम दर कदम चलने की प्रतिबद्धता दिखाई है। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों से शुरू हुई संकल्प यात्रा लगातार सभी गांवों और शहरों को कवर कर रही है। राज्य के हर कोने कोने तक पहुंचने और जानकारी प्रदान करने के लिए प्रदेश भर में 72 एलईडी वैन जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में तेजी से लगातार आगे बढ़ती हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी मोदी की गारंटी गाड़ी फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 में लखानी धर्मशाला में पहुंची। इस कैंप में क्षेत्र के पार्षद और भाजपा कार्यकर्ता लोगों की सेवा के लिए हाजिर नजर आए और कैंप में पहुंचे लोगों की सहायता करते देखे गए। स्थानीय लोगों ने इस कैंप में पहुंचकर सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ उठाया और मोदी सरकार का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में पहुंचे स्थानीय भाजपा पार्षद मनोज ने बताया कि वार्ड 11 में सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ जनता को देने के लिए कैंप लगाया गया है, जिसमें तमाम विभागों के अधिकारी लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में भी बता रहे हैं। पार्षद मनोज के मुताबिक इस कैंप में लोग सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं, जिसके लिए वो मोदी सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इस कैंप के माध्यम से जहां लोगों के कागजातों की त्रुटियां दूर की जा रही हैं, तो वहीं उन्हें हाथों हाथ योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। आज हमारे यहाँ पर पहले सुबह भी ये कैंप लगा था, अभी शाम को भी ये कैंप लगा हुआ है। मोदी जी की जो ये भारत विकास संकल्प यात्रा है, ये यहाँ हमारे क्षेत्र में आई हुई है, तो यहाँ काफ़ी लोग अपने यहाँ पे उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर लेने के लिए आए हुए हैं और बीपीएल कार्ड जो बन रहे हैं उनकी इनकम वेरिफिकेशन के लिए लोग आए हुए हैं और जो आयुष्मान कार्ड है उनके लिए यहाँ लोग आए हुए हैं और बीके हॉस्पिटल से भी एक टीम आई हुई है जहाँ पे वो जांच भी कर रहे हैं, स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। तो जितनी भी हमारी मोदी सरकार की योजनाएं हैं उसके लिए ये संकल्प यात्रा जो निकली हुई है, ये लोगों को अवेयर भी कर रही है कि हमारी क्या क्या कई, हालांकि पूरे क्षेत्र में हमारे पूरे वार्ड में लोग इस बात के लिए अवेयर हैं कि कौन कौन सी योजनाएँ सरकार ने उनके लिए चला रखी हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं मालूम है तो वो यहाँ आके उनका लाभ ले सकते हैं। और परिवार पहचान पत्र जैसे ये नए भी बनाए जा रहे हैं और पुराने के ठीक भी किए जा रहे हैं, क्योंकि किसी की शादी हो गई है बच्चों की तो उनकी मैरिज सर्टिफिकेट दिखा के उसको अलग किया जाता है। अब ये है कि कई लोगों को मालूम नहीं है कि परिवार पहचान पत्र में हम अपना कैसे अलग करें उसको अपने बच्चों का, तो उसके लिए भी संपर्क करके लोगों को बताया जा रहा है कि मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया जाए और उससे आप अलग परिवार पहचान पत्र। मैं अपने क्षेत्र के लोगों से यही अपील करता हूँ कि वो यहाँ पर आएँ, आज सरकार आपके पास है, आपके घर के साथ खड़ी हुई है, सारे अधिकारी
यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो भी आपकी समस्या है आप उस समस्या को लेकर आप यहाँ लखानी सामुदायिक केंद्र पर आइए और अपनी समस्या का समाधान कीजिए। आज यहाँ पर ये पूरे महीने ही चलेगी, किसी न किसी क्षेत्र में चलेगी। आज हमारे वार्ड में है, कल दूसरे वार्ड में। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आज हमारे वार्ड में है तो दूसरी जगह जाएगी तो वो यहाँ के लोगों के काम नहीं होंगे, सबके काम होंगे। और ये ऐसी सुविधाएं आगे भी मिलती रहेंगी। जो लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पीएम उज्ज्वला योजना के तहत नागरिकों को गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं। केंद्र व राज्य सरकारों की उपलब्धियों और नीतियों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए फिल्मों और डिजिटल डिस्प्ले सामग्री का सहारा लिया जा रहा है। लोगों को सरकार की विकास योजनाओं पर आधारित लघु फिल्में भी दिखाई जा रही हैं, जिससे लोगों में जागरूकता फैले और योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। कैंप में आने वाले लोगों को हर संभव मदद भी दी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को कैंप के माध्यम से हल कर रहे हैं और योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इस क्रम में फरीदाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में सभी योजनाओं का लोगों ने भरपूर लाभ उठाया और उनके काम भी अधिकारियों ने फौरन प्रभाव से किए। सबसे ज्यादा लोगों की भीड़ उज्ज्वला गैस योजना का लाभ उठाने वालों की रही। नए गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में लोग स्टॉल पर पहुंचे, जहां कम समय में उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, जिससे खुश लाभार्थियों ने सरकार का धन्यवाद करते हुए मोदी सरकार गरीब लोगों का ख्याल रख रही है, जिसको लेकर वो बेहद खुश हैं। ललित शर्मा, ललित जी कैंप में आए हैं, विजय भारत संकल्प यात्रा के कैंप में आए हैं, आप किस लिए आए थे? मैं सर जो गैस कनेक्शन है मेरा नहीं था, तो यहाँ पे मैं कैंप में आया, मैंने अपने दस्तावेज जमा कराए, तो उसके बाद में उन्होंने मेरे को कहा कि दस्तावेज चेक करके आपके यहाँ पे दोबारा आपका कनेक्शन आपको मिल जाएगा अगर दस्तावेज सही है। अच्छा, तो आपके दस्तावेज सही हैं? हाँ जी, मेरे दस्तावेज सही हैं, तो उन्होंने कहा फिर भी एक बार चेक करके सारा आपको हफ्ते में या चार पाँच दिन में आपको कनेक्शन मिल जाएगा। आपको कनेक्शन मिलता है तो इसको लेकर सरकार को क्या कहना चाहिए? सर मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ और यहाँ के जो फरीदाबाद के जो निवासी जिन्होंने कैंप लगवाया उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो ये काम करवाया तो कहीं हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही कैंप में काम हो गया। तो गरीबों के लिए कितनी कारगर है ये? सर गरीबों के लिए बहुत कारगर है, जो दस्तावेज सही है तो सबके लिए कार। मैं यहाँ पे गैस कनेक्शन के लिए आई थी और मेरा यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट जमा हो गए हैं, सब ओके हैं, उन्होंने जमा कर लिए हैं और ये कनेक्शन के लिए दो चार दिन में फ़ोन करेंगे, एजेंसी से बुला लेंगे। मैं ये मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे गरीबों के बारे में वो कुछ सोच रहे हैं। कितनी खुशी हुई है? हमें बहुत खुशी हुई है। कितना फ़ायदा हो जाएगा जब आपको गैस कनेक्शन मिल जाएगा? हमें बहुत फ़ायदा हुआ, एक्चुअली हमारे में किसी के नाम अभी था नहीं तो हमें बहुत दिक्कत होती थी इस बारे में, तो ये मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो हमारे गरीबों के बारे में वो सोच रहे हैं। मेरा नाम अर्चना है, मैं गैस सिलेंडर के लिए अप्लाई किए हैं, मैंने फॉर्म मैंने दे दिए हैं और उसके बाद जब सिलेंडर मिलेगा तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। कार्यक्रम में आए भारत गैस एजेंसी के इंचार्ज कृष्ण कुमार ने कहा कि उनके द्वारा पात्र लाभार्थियों के कागजात चेक कर उन्हें उज्ज्वला गैस योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन और सिलेंडर दिए जा रहे हैं। ये भारत सरकार के गरीब लोगों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है और लोग जहां इन कनेक्शन को पाकर सरकार के प्रति बहुत खुश हैं, तो वहीं डबल इंजन वाली केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की मनोहर लाल सरकार की तारीफें करते नहीं थक रहे हैं। आप किस लिए आए थे कैंप में? हम यहाँ अपना गैस सिलेंडर लेने के लिए आए थे। कागज जमा हो गए हैं? कागज जमा हुआ है। तो कितना आपको अब सिलेंडर मिल जाएगा? हाँ जी, उज्ज्वला गैस योजना के तहत। हाँ जी, तो कितना फायदा होगा आपको? हमें तो बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, हम तो क्योंकि वहाँ चूल्हा जलाते थे उससे बचत हो जाएगी, आँखों में जो पानी आता है धुआं होता है सब बचत हो जाएगी।
तो जो इन्होंने किस तरीके से आपको समझाया और कागज लिए आपके और क्या आश्वासन दिया? इन्होंने कहा कि भाई आपको जल्दी मिल जाएगा सिलेंडर, और इन्होंने ये कहा कि बहुत अच्छा आप यहाँ आए जो भाई लेने के लिए। तो मोदी सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं उसका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की है और हमें बहुत अच्छा, हम तो वोट भी मोदी को देंगे। अच्छा, दूसरी बात आपको सिलेंडर भी अब कंट्रोल रेट में मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल, कंट्रोल रेट में मिलेगा। तो डबल फायदा हुआ? बहुत डबल फायदा हुआ। उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के अलावा पेंशन, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, कृषि और बागवानी से संबंधित योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देकर जागरूक किया गया। योजना के लाभ के अलावा यात्रा के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर स्टॉल लगाकर बुनियादी चिकित्सा सेवाएं और आयुष सेवाएं भी सुलभ कराई गयी। स्वास्थ्य कैंप में भी लोगों ने अपने स्वास्थ्य की मुफ्त जाँच कराई और डॉक्टरों का परामर्श भी लिया। मैं चेकअप कैंप जो आज हमारे यहाँ आयोजन किया गया है, मैं लखानी धर्मशाला का प्रबंधक हूँ। जैसे मोदी सरकार ने आजकल एक शब्द चला ना कि गारंटी, उस गारंटी को ये सब पूरा कर रहे हैं। मैंने भी देखा कि मेरी अपनी गारंटी कितनी है, तो मैं कहा पहले बीपी चेक करा लूँ, उसके बाद जो आगे है। जो बीपी चेक कराया, ये सेवाएँ इन्होंने डॉक्टर साहब ने दी, तो बीपी जब आया रिपोर्ट उस टाइम आपके कैमरे ने भी मुझे कैप्चर किया, आपका भी धन्यवाद करते हैं। और जो ये सभी लोग आए हैं इस कैंप का आज लाभ ले रहे हैं, ये कैंप आज सुबह भी 3 नंबर में लगाया गया डी ब्लॉक में, आज हमारी लखानी धर्मशाला में लगाया गया। जिस प्रकार लोग इसका लाभ ले रहे हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए, आधार कार्ड, सरकार की कितनी अच्छी पहल है। सरकार तो देखो अपने तरफ से पूरी पहल करती है जन जन तक पहुंचने की। आज जो एक नया कदम बढ़ाया है, जितना आगे बढ़ेगा उसमें हमारी भी कुछ सेवाएं हैं, कुछ आपका सहयोग होगा। जैसे जैसे लोग आएंगे उनका भला होता ही जाएगा। हरियाणा में 30 नवंबर से शुरू हुई 26 जनवरी तक चलने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी सजग नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर हरियाणा में बड़ा फैसला सामने आया है और ये फैसला सीएम ने लिया है, जिसके तहत अब यात्रा के कार्यक्रमों में हर विभाग के अधिकारियों को मौजूद रहना अनिवार्य कर दिया गया है। खासतौर पर बिजली निगम के SDO स्तर के अधिकारी का मौजूद रहना अनिवार्य है। ये फैसला यात्रा के दौरान अलग अलग विभागों से संबंधित आ रही शिकायतों को तुरंत दूर करने के लिए लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे ये सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। हरियाणा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को जनसंवाद से जोड़ा है ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला सह संयोजक शिक्षा प्रकोष्ठ राधेश्याम भाटिया ने खुद कार्यक्रम में शामिल होकर अधिकारियों को भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। बीजेपी जिला सह संयोजक शिक्षा प्रकोष्ठ राधेश्याम भाटिया ने बताया कि यहां कैंप में आने वाले तमाम लोगों की वो खुद मदद कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि सरकार सबके द्वार पहुंचकर उनकी समस्याओं का निदान कर रही है, जिसके लिए वो प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया का धन्यवाद करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सरकार का, मनोहर सरकार का, मोदी सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ में कृष्ण पाल गुर्जर जी का, सीमा त्रिखा जी का, जिन्होंने इस तरीके के कैंप लगवाए जिससे सरकार आपके द्वार जगह घर घर में सुविधा मिल रही है। क्योंकि पहले बहुत लोगों को परेशानी हो रही थी और यहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ अलग अलग किस्म के हमने कैंप लगा रखे हैं। वहाँ पर सिरे पर आपका आधार कार्ड की किसी को प्रॉब्लम है, फाइनेंस बैंक की किसी को प्रॉब्लम है, पेंशन की किसी को प्रॉब्लम है, पेंशन का अलग बना हुआ है, आयुष्मान कार्ड का अलग बना हुआ है, और इवन हेल्थ डिपार्टमेंट से भी हमारे पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पर आया हुआ है। हेल्थ डिपार्टमेंट से आयुष्मान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी यहाँ सॉल्व हो रहा है इनका। लोगों के काम हो रहे हैं? लोगों के काम बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि आज ये दूसरा कैंप है। आज सुबह 3 नंबर डी ब्लॉक में था और वही कर्मचारी फिर लंच करके फिर यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, और कल 5 नंबर में था कैंप। तो जगह जगह पर विधानसभा के हिसाब से कैंप हो रहे हैं। यहाँ हमारा भटकल विधानसभा में ये तीसरा चौथा कैंप है और ये रेगुलर चलते रहेंगे जब तक कि
लोगों को सबको सुविधाएं नहीं मिल रही। कितनी फायदेमंद साबित हो रही है ये विजय भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी? मेरे हिसाब से तो बहुत, क्योंकि मैंने जब पब्लिक से बात की है, जिनके काम नहीं हो रहे थे, चक्कर काट रहे थे, उनके काम इस कैंप में डायरेक्ट ही हो रहे हैं, क्योंकि ये सब डायरेक्ट ही सीधा है। कोई ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरो जी उसके बाद एक्शन होगा या रिएक्शन बाद में होगा, साथ के साथ ही एक्शन हो रहा है, तो इसलिए लोगों को फायदा हो रहा है। हरियाणा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम योजनाओं का लाभ देने के लिए सशक्त माध्यम बनकर उभर रही है। यात्रा के दौरान लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी दर्ज किए हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा ने हरियाणा में 1300 से अधिक गांवों और वार्डों को कवर किया। इस प्रक्रिया में 7,40,000 से अधिक लोग शामिल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के प्रयासों से जन भागीदारी के साथ यात्रा से लोगों में काफी उत्साह पैदा हुआ है। नागरिकों को यात्रा से न केवल विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है बल्कि उनकी चिंताओं का भी समाधान हो रहा है। 30 नवंबर को हरियाणा में शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा के 20 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार दोनों की नीतियों को व्यापक समर्थन मिला है, जो विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।